और इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं क्योंकि बहुत अच्छी काम हुई है। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा और आज मॉर्निंग में अपना बी डी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री सीआरपीएफ को आर्मी को बधाई देता हूँ कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंगे बदर के दिन ही करना था क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कमाई मिली तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है लेकिन जैश के साथ भी चलता है और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जैश के कमांडर है उस उन ये तीनों मिल के इसको अंजाम दे रहा था। बिल्कुल ये किसी सिक्योरिटी फोर्स पुलिस की गाड़ी को टारगेट करता बिल्कुल। हम लोग बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं, पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 केजी होगा लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर्स ऊपर गया है उससे लग रहा है कि 40 से 45 केजी एक्सप्लोसिव होगा। हाँ चला है लेकिन हम लोग आप लोग से अभी शेयर नहीं करेंगे और 33 करोड़ आगे जारी रख रहे हैं इसको। थैंक यू। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी कि पुलवामा में जो ये हमला हुआ इसको लेकर क्या उनके पास पूरी डिटेल थी, उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि पहले सेना की तरफ से चेतावनी दी गई, उनके पास लीड्स मौजूद थी जिसके बाद इस गाड़ी को ट्रैक किया गया, इस तक पहुंचे लेकिन चेतावनी दी गई। लेकिन चेतावनी के बाद भी जब चालक नहीं रुका, उसने भागने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने उसे फॉलो किया। सुरक्षा बल, पुलिस, सीआरपीएफ का ये साझा ऑपरेशन, पूरी सावधानी के साथ फिर इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया लेकिन सुरक्षा बलों के निशाने पर जो है ये पहले से ही था। लेकिन इनका मकसद एक बार फिर से सुरक्षा बलों को टारगेट करना था, इस बात की जानकारी भी उन्होंने दी।
40 किलो से भी ज्यादा का विस्फोटक मौजूद था इस सेंट्रो कार में। पूरी सावधानी के साथ फिर इस विस्फोटक को डिफ्यूज किया गया। नंबर प्लेट लगी थी टू व्हीलर की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी विजय कुमार ने जो जानकारी दी, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचए मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रल कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया तो उस जगह मिलिटेंट चूंकि अंधेरा था गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग तो कॉर्नर को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा और आज मॉर्निंग में अपना बीडीएस पार्ट गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहां जाके उसमें आर्मी सीआरपी पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से उसको डिफ्यूज किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और सीआरपीएफ को आर्मी को बधाई देता हूँ कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों को इतला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, बहुत सारे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए, उसमें हमको बहुत कार्रवाई मिली तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम नहीं कर पाया और पिछले कल मॉर्निंग से ये खबर काफ़ी डेवलप होने लगा था तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं जो आदिल जो है एचएम के मिलिटेंट है लेकिन जैश के साथ भी चलता है और जो फौजी भाई है पुलवामा में जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है जैश के कमांडर है ये तीनों मिल के इसको अंजाम दे रहा था। तो क्या लगता है कि जैसे पुलवामा में